5,000 10,000 50,000 के हफ्ते का लिया, 1,00,000 हफ्ते का लिया, 1.5 लाख भी लिया, और एक दिन मेरी लाइफ के अंदर आया, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला था जिसने 21 साल की उम्र में इस बिजनेस के माध्यम से हफ्ते का 2,10,000 इनकम अचीव कर दिया। जो मेरे लाइफ के कोच है, जिनकी वजह से मेरे लाइफ के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन आया, ऐसे मेरे ग्रेट फादर मिस्टर अमीर माले सर, इनको धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे फैमिली तक इस बिजनेस को पहुंचाया, ऐसे हमारे एजुकेशनल गुरु स्पॉन्सर ऑफ लाइफ आईटीसी विद प्लैटिनम एग्जीक्यूटिव मिस्टर ललित डोगरे सर और जीटीसी मिस्टर किशोर आयरे सर, इन दोनों लोग के माध्यम से आज इस बिजनेस को रन कर रहा हूं, जिनके सपोर्ट की वजह से आज यहां तक पहुंचा हूं। ऐसी मेरी इंटायर ग्रेट टीम, जो टीम लीडर्स के अंदर अगर देखा जाए, अभी अभी आपने जिनको सुना स्वप्निल लेवे सर, अभी लोगों ने साथ ही काम चालू किया था, आज की डेट में मेरी टीम के अंदर जो आरटीसी लीडर है स्वप्निल लेवे सर, सतीश कुमार दीक्षित सर, एसटीसी स्टाफ पर जाधव सर, इवन फैमिली, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके माध्यम से आज बिजनेस को शुरुआत किया था, सचिन कड़ामुड़े सर, विशाल फैमिली, सुशांत नाइकवाले सर, आज एक से एक बट आज मेरे पास लीडर हो गए। लेकिन जब बिजनेस शुरुआत किया था हम लोग 7-8 लोगों से ही काम चालू किया था, और उस टाइम पे मेरा उम्र था 17 साल, अभी 24 साल है, और इन 7 सालों के अंदर जो माई लाइफ के अंदर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, हो सकता है आपकी जो एक्सपीरियंस काम आ जाए। बिकॉज जब शुरुआत किया था, जब आप प्लान देखा तो आपको जो प्लान मिला है एक स्क्रीन के ऊपर मिला है, बराबर ना? हेलो। और इतने सारे लोगों के अंदर आपको एक प्लान सुनने के लिए मिला है। लेकिन जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तब ऐसे कोई बड़े सेमिनार नहीं हुआ करते थे। जो आप प्रोडक्ट आज देखे, करीब करीब आपको 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट दिखाए, बराबर ना? हमारे टाइम में सिर्फ 3 प्रोडक्ट थे, और 3 प्रोडक्ट से हम लोगों ने बिजनेस शुरुआत किया था। आज 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं, हर जगह पे आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते हैं। उस टाइम पे सिर्फ औरंगाबाद या पुणे में ही आपको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाते थे, मराठवाड़ा में कहीं पे भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते थे। आज आपके जालना में भी आपके शॉप पहुंच चुके हैं, और महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने कंपनी के प्रोडक्ट की शॉप पहुंच चुके हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपने कंपनी के सेमिनार अभी चालू हो गए। तो ऐसे खराब माहौल में हम लोगों ने बिजनेस शुरुआत किया था। कुछ लोगों ने इस बिजनेस के लिए ना बोला, और कुछ लोगों ने इस बिजनेस के लिए हाँ बोला। जो लोग हाँ बोले वो आज इस बिजनेस के अंदर हमारे साथ काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल पे ग्रोथ किए हैं। जो लोगों ने ना बोला, उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, उन्होंने जो दिया वो अनुभव दिया, एक्सपीरियंस दिया, और वही अनुभव की वजह से हम लोगों ने इस बिजनेस को चालू किया, रन किया। उसी अनुभव के माध्यम से हम लोग सीखते रहे, और सीखते 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 इस बिजनेस के अंदर एक छोटा सा अमाउंट से हम लोगों ने शुरुआत किया था। जो आपने प्लान में देखा, मिनिमम हम लोग इस बिजनेस से कितना कमा सकते हैं, कितना देखा, 1200, और ज्यादा ज्यादा कितना कमा सकते हैं, 2,10,000। और जितने लोग इस फर्स्ट टाइम प्लान देखते हैं, उनको दो ही आंकड़े ध्यान में होते हैं, पहला एक छोटा वाला और दूसरा सबसे बड़ा वाला, बीच वाला नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन बराबर ना होता है ना ऐसा? तो मेरा भी शुरुआत स्टार्टिंग फेज के अंदर वही से हुआ था, 1200 शुरुआत हुआ था, 5,000 10,000 50,000 भी हफ्ते का लिया, 1,00,000 हफ्ते का लिया, 1.5 लाख भी लिया, और एक दिन मेरी लाइफ के अंदर आया, मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहला था जिसने 21 साल की उम्र में इस बिजनेस के माध्यम से हफ्ते का 2,10,000 इनकम अचीव कर दिया। कहने का मतलब ये है, अगर इस बिजनेस के अंदर हम लोग एक सिद्धांत के साथ अगर काम करते हैं 3 से 5 साल, तो गारंटेड ये वो इंडस्ट्री है जो हमारी लाइफ गारंटेड ट्रांसफॉर्म कर सकती है। बदल होना एक अलग चीज है, छोटे मोटे बदलाव तो लाइफ के अंदर आने वाले, 60 रुपए का पेट्रोल है वो 100 रुपए में गया, ये बदल नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि 60 का पेट्रोल 65 होना, ये चेंज हुआ, बदल हुआ, लेकिन 60 से 100 नहीं गया, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, बराबर ना? वैसे ही हमारी सैलरी आज हम लोग अगर 20,000 कमा रहे, तो 20,000 से डायरेक्टली 80,000 या 1,00,000 रुपए को जाना, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, समझ में आ रहा है आपको? आज माइनर बिजनेस आपको बदल के लिए नहीं है, आपको छोटी मोटी जरूरतें अगर पूरी करनी है तो आप छोटा मोटा कोई भी जॉब कर सकते हो, कोई ना कोई मार्केट का कोई भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन ये बिजनेस के अंदर गारंटेड छोटी मोटी जरूरतें पूरी होती ही है। लेकिन जरूरत के साथ हमारे लाइफ के अंदर जो हम लोग सपने देखते हैं, ड्रीम्स देखते हैं, वो ड्रीम्स को भी कंप्लीट करने की कैपेसिटी आज माइनर बिजनेस के अंदर है। आज मैंने इस बिजनेस के अंदर 7 साल मेहनत किया है, नतीजा ये मिला 24 साल की उम्र में आज लोग डिग्री लेके बाहर मार्केट में घूमती है कि मुझे जॉब दो, बराबर ना? होता ही होता है ऐसा। लेकिन आज माइलेज का ताकत है, एट द एज ऑफ 24, 24 साल की उम्र में इस बिजनेस के माध्यम से मैं आज फाइनेंशियली सेटल्ड हूं,
फाइनेंशियली सेटल हूं, इसका मतलब क्या हुआ? जब शुरुआत किया था पहला ड्रीम था स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, जो 1.5 लाख रुपए का अरुण भाई बाइक, इस बिजनेस के माध्यम से मैंने परचेस किया। उसके बाद में हमारे फैमिली के अंदर पहला गाड़ी आया महिंद्रा लोगन 9 लाख रुपए का, और अभी माइलेज की ताकत है जो कार में मेंटेन करता हूं माइलेज के माध्यम से, उसका MH20EY700 7001 नंबर है, वो नंबर लेने के लिए आरटीओ को 45,000 रुपए का अमाउंट देने का कैपेसिटी माइलेज ने दिया, और गाड़ी लिया 17.5 लाख रुपए का फोक्सवैगन वेंटो ऑटोमेटिक पावर ऑफ माइलेज फ्यूल बिजनेस। आज 24 साल की उम्र में 2 कार का ओनर हूँ। साथ ही साथ अगर देखा जाए सिर्फ कार लिया नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कार लेते हैं और घर में रखते हैं और मस्त दिन रात उसको सुबह भी देखेंगे शाम को भी देखेंगे, 5 साल बाद बोलेंगे देखो अभी भी वैसी वैसी नई नई लग रही है ना। बराबर है। पिछला 3.5 साल के अंदर अगर देखा जाए उसका ट्रैवलिंग 97,000 हुआ है, मतलब अभी दिसंबर खत्म होने से पहले वो 1 लाख किलोमीटर हो जाएगी। मैंने कैलकुलेशन निकाला, एवरेज अगर देखेंगे माइलेज का ताकत है, 1 दिन में 1,000 रुपए का धुआं करने का ताकत माइलेज में मुझे दी है। इतना ही है। तो समझने वाली बात यह है, आज माइलेज ने सिर्फ पैसा नहीं दिया, आज ड्रीम भी कंप्लीट हुए, औरंगाबाद में 3 प्रॉपर्टी हो गए। उसमें से अगर देखा जाए अभी किस टाइम पे औरंगाबाद में एक छोटा सा घर बना रहा हूं 1200 स्क्वायर फीट के अंदर, जिसके अंदर आज की 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, और आने से पहले टाइल सेलेक्ट करके ही जाना आया हूं, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। और मेन चीज मेरे घर की स्पेशलिटी ये है, मेरे घर के ऊपर 1 सिंगल रुपए का भी लोन नहीं, आखा पूरा कैश में बना रहा। तो ये माइलेज का ताकत है, ये पूरा माइलेज का ताकत है। एट द एज ऑफ 24 आज 24 साल की उम्र में औरंगाबाद सिटी के अंदर खुद का ओन हाउस 2 कार अचीव किया इस बिजनेस के माध्यम से। मैंने ही अचीव नहीं किया, मेरे टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से अच्छा मुकाम हासिल किया है। आज मेरे टीम के अंदर 2.5 लाख रुपए तक महीने का इनकम कमाने वाले लोग खड़े हो गए। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि हम लोग कितना पैसा कमा रहे, इंपॉर्टेंट ये होता है जिसको विश्वास देके हमारे साथ लाया था वो भी आज लाखों में कमा रहा है। ये एक ही प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा, उसका नाम है MI Live Marketing। आज बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस के माध्यम से कार परचेस किया, मैंने भी किया, और आज इनकम की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया था माइलेज ड्रीम लाइफ आपको देता है, हर एक ड्रीम कंप्लीट कराता है, और आज हर कॉमन आदमी का एक सपना होता है, जो इनकम होती है हमारी महीने की वो 6 आंकड़ों में होना इंपॉर्टेंट होता है। बराबर ना, 6 आंकड़े समझ रहे हो ना, 6 डिजिट मतलब 6 आंकड़े कहां पे आते हैं, लाख में जाता है ना वो। हाँ, तो हर व्यक्ति का एक सपना होता है 6 डिजिट पे इनकम चाहिए। आज बताने में प्राउड फील होता है, पिछले लगातार 4 साल से लॉकडाउन था तब भी, लॉकडाउन नहीं था तब भी, पिछले लगातार 4 साल से हर महीना माइलेज से 6 डिजिट 6 आंकड़ों में पैसा छाप रहा हूं। हर महीना लॉकडाउन लगा था पिछला साल, बराबर ना, अभी भी बोल रहे शायद लग सकता है, बराबर ना। आज माइलेज इंडस्ट्री क्यों करना है समझने वाली बात है। मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था 2014 में, और 22 मार्च 2019 में लॉकडाउन लगा था, तब मुझे इस बिजनेस के अंदर अगर देखा जाए अराउंड 4 साल कंप्लीट हो चुके थे। ओके? और उस टाइम पे अगर देखा जाए जो सवाल आपके सामने था वही सवाल मेरे सामने था, लॉकडाउन लग गया अभी क्या होगा आगे, समझ आ रहा है सबको, यही सवाल था ना। हाँ, जब लॉकडाउन लगा हम लोगों ने सिस्टम के साथ काम किया और ऑनलाइन तरीके से बिजनेस को किया, 4 महीना लॉकडाउन था, बराबर ना, माइलेज बिजनेस की ताकत, हम लोगों ने 4 महीना ऑनलाइन वर्क किया, क्योंकि आज जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के प्रोडक्ट्स है, तो पूरा भारत भी बंद था, तो आयुष मिनिस्ट्री के प्रोडक्ट लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, और यही प्रोडक्ट हम लोगों को दे रहे हैं। पूरा भारत बंद था लेकिन तेल दूध में शैम्पू यूज करना बंद था क्या, यही प्रोडक्ट माइलेज के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन तरीके से दे रहे थे, और 4 महीना का जो लॉकडाउन था 4 महीने के अंदर माइलेज की ताकत है, 4 महीने में घर में बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करके 8.5 लाख रुपए का इनकम मैंने लॉकडाउन में कमाया था। और सिर्फ मैंने ही नहीं कमाया था, आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से लॉकडाउन में लाखों रुपए पैसा कमाया है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं बता आपको, क्योंकि उसी लॉकडाउन के अंदर जो जो लोगों ने 10-10 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए थे उनका उस 4 महीने का इनकम 0 था, समझ में आया। हेलो,
और मेरा वो 4 महीने के अंदर मैंने कुछ लगाया नहीं था, बिकॉज 30,000 तीन आईडी से बिजनेस शुरुआत किया था। एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से प्रोडक्ट मिल गया। जो प्रोडक्ट लग रहे थे घर में यूज किए, कुछ बेच दिए, बात खत्म। समझ में आया? बहुत सारे लोगों को लगता है 10,000, 20,000, 30,000 ये पैसा इन्वेस्ट करने की चीज है। भाई इन्वेस्ट नहीं होता है, ये सिर्फ आप हम लोग परचेसिंग कर रहे हैं। ये बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज इन्वेस्ट करना है, वो है हमारा वर्क, वो है हमारा टाइम। मैंने 7 साल इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है। 7 साल इन्वेस्ट करने के बाद आज महीने का मिनिमम 4 लाख से ज्यादा इनकम ये बिजनेस के माध्यम से कमा रहा हूँ। मार्केट में मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो लॉकडाउन की मैं बात कर रहा था उसकी स्पेशलिटी है, आज लॉकडाउन के बाद भी बहुत सारे लोग आज मार्केट के अंदर हम लोग देख रहे हैं। आज आपके जालना सिटी के अंदर भी बहुत सारे लोग 4 लाख 5 लाख कमाते होंगे। हेलो, लेकिन उनके अंदर और मेरे अंदर फर्क सिर्फ इतना है, उन्होंने 4 लाख कमाने के लिए कम से कम 2-4 करोड़ डाले होंगे, अपने 2-4 करोड़ नहीं डाले है, सिर्फ मेहनत किया है। समझ में आ रहा आपको? हाँ। और मैं ये जानता हूं इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो हर कोई ना कोई व्यक्ति हर कोई ना कोई सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, बराबर है? कोई टाइम पास नहीं कर रहा है। अगर एक हाउस वाइफ भी है तो 12 घंटा उसका घर को संभालती है, 12 घंटा 24 घंटा संभालते, बराबर है? अगर एक जेंट्स है तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जॉब करता है, देन उसके बाद में उसको महीने के बाद पगार आता है, बराबर ना? ये सब चीजें होती है। कोई बिजनेसमैन भी होगा तो वो भी 12 घंटा 14 घंटा उसका बिजनेस संभालता है, तब जाके पैसा आता है। हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, मेहनत तो 100% करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मेहनत हम लोग कहां कर रहे हैं। आज मैंने एक राइट जगह पे राइट टाइम पे मेहनत किया, आज उसकी मुझे राइट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगा, जो लोग पेरेंट्स कैटेगरी में आते होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि भाई अगर आपको लगता है आपके बच्चे इस बिजनेस आपका बच्चों का अगर फ्यूचर सिक्योर होना इंपॉर्टेंट है, आज आप इस बिजनेस के अंदर आइएगा, 3 से 5 साल मेहनत करिएगा, आप ही कम पैसा बेस्ट लेवल पे कमा सकते हो। और जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा 22-25 साल का, वही बिजनेस आप उसको विरासत में कोई बड़ी प्रॉपर्टी दे सकते हैं नहीं सकते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने इस बिजनेस के अंदर एक आईडी डेवलप किया और वही आईडी अगर उस बच्चे को अगर दे दिया तो उस बच्चे को मार्क मेमो और डिग्री लेकर बाहर जॉब के लिए ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माई बैंक ऑलरेडी उसको हजारों और लाखों देने का कैपेसिटी बना के देगा। सिंपल चीज है, इस बिजनेस को शुरुआत करिएगा। और जो यंगस्टर्स है जिनका एजुकेशन हो चुका है, जिनको ऐसा लगता है कि मेरा पढ़ाई हो चुका है लेकिन अभी मुझे जॉब करना है, पैसा कमाना है, तो आज की डेट में हम लोग जब लाखों रुपए खर्चा करने के बाद एक एजुकेशन लेते हैं और वह एजुकेशन लेने के बाद हमारी जो वैल्यू है ये हम लोग तय करते हैं या मार्केट तय करता है, 25,000 देना है या 50,000 देना है, ये मार्केट तय करता है या हम तय करते हैं? मार्केट तय करता है। और सारा खर्चा पहले कौन करता है? हम खुद करते हैं, ये सिस्टम है। लेकिन माइलेज क्यों करना है? तो माइलेज के अंदर आपको एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये मिलता है, यहाँ पे आपको खुद की वैल्यू कितनी है वो डिसाइड करने का आपको यहाँ पे चांस मिलता है। आपको डिसाइड करना मैं कितने रुपए का आइटम हूँ, मुझे लगा था मैं 2,10,000 का आइटम हूँ, मैं जॉब नहीं करूंगा, आज बिजनेस के माध्यम से 2,10,000 मुझे बिजनेस ने दिया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी रही बात बिजनेस के अंदर जहाँ कोई नेटवर्क फील्ड से होगा तो उनके लिए लास्ट 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा। हो सकता है इस हॉल में बैठे हुए कुछ लोग होंगे जिनके घर में किसी लीडर ने सॉरी किसी व्यक्ति ने अदर कई कंपनी के अंदर काम किया होगा, देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, उसका और माय लाइफ का कोई संबंध नहीं है। बिकॉज इंडिया के अंदर एक ही कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल इंडिया और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ में एसोसिएट होकर काम कर रही है। इंडिया के अंदर एकमात्र ऐसी कंपनी जिसके पास मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का प्रीमियम मार्क वाले प्रोडक्ट्स है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए माइलेज में कंपैरिजन में कोई दूर दूर तक नहीं है, इसलिए छोटी मोटी गली गली वाली छोटी मोटी कंपनियां होती है उनके साथ माइलेज में कंपैरिजन कभी मत करना। ये 20-21 साल पुराना सेटअप है। आज मेरा उम्र 24 साल है और कंपनी का उम्र 21 साल, समझ रहे ना? तो सर ने जो बताया ना शादी वाला, तो पहला शादी माइलेज से हुआ था, समझ में आ रहा आपको? तो आज 7 साल का हुआ है हमारा जर्नी, आगे भी 70 साल चलेगा, लाइफ टाइम इसी मैनेजमेंट के साथ रहेंगे। और डेफिनेटली जैसे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट हुए हैं उसी तरीके से आपके भी ड्रीम्स आपको 100% कंप्लीट करने के लिए मेरी ओर से बहुत सारी गुड विशेस रहेगा। सो रियली आज के प्रोग्राम में मुझे बुलाया और बहुत सारा रिस्पेक्ट दिया ऐसी ग्रेट जालना टीम जिसके अंदर आज के एनटीसी विद एमराल्ड एग्जीक्यूटिव मिस्टर किरण गडके सर और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद कहता हूँ। और रियली आप सबको इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा सक्सेस मिलने के लिए मेरी ओर से बहुत सारी गुड विशेस। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जय हिंद,
जय नेत्र।